आजादी का जश्न। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे जालौन मेट्रो से। आजादी के अमृत महोत्सव में आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई कहानी लेकर। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि इस आजादी के अमृत महोत्सव में हम आपको 1 अगस्त से 15 अगस्त तक स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कुछ खास यादें ताजा कराते रहेंगे। आज 11 अगस्त है और आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जनपद जालौन की जालौन नगर क्षेत्र में रहने वाले रिटायर्ड सूबेदार बाबूलाल से, जिन्होंने सन 1969 में सेना में सिपाही से भर्ती होकर अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया। सेना के सिग्नल कोर जबलपुर में रहते हुए 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के दौरान वहां के मौजूदा हालातों के बारे में सेना के गोपनीय विभाग को जानकारी तकनीकी उपकरणों के माध्यम से देते रहे। बाबूलाल जी 1997 में सेना से सेवानिवृत्त होकर जनसेवा में जुटे हुए हैं। देखिए जालौन मेट्रो कंसल्टिंग एडिटर देवेश स्वर्णकार के साथ। आजादी के अमृत महोत्सव में जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक इस आजादी के अमृत महोत्सव को हम आपके साथ मनाएंगे और उसमें आजादी की सुरमाओं से हम आपके मुलाकात कराएंगे। प्रतिदिन हम आपको एक नए उस किरदार से रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने भारतीय सेना में रहकर अपनी स्वतंत्रता आंदोलन में या भारतीय इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है। उन लोगों से भी रूबरू करा रहे हैं जो इतिहास के पन्नों से तो अछूते रह गए हैं, उनको बहुत कम लोग जानते हैं। आज 11 अगस्त और आज हमारा कारवां पहुंचा है जालौन जनपद के जालौन नगर में रहने वाले रिटायर्ड सूबेदार बाबूलाल दोहरी के। बाबूलाल 1969 में सिपाही के पद पर जो है जबलपुर में सिग्नल कोर में सेना में तैयार हुए और उन्होंने 1971 के पाकिस्तान के युद्ध में अपनी एक अहम भूमिका निभाई और वो भूमिका थी सिग्नल कोर में वह जबलपुर में तैनात रहते हुए तकनीकी उपकरणों से युद्ध के हालातों की वहां से जानकारी लेना और अपनी सेना के अधिकारियों को देना। महत्वपूर्ण बात थी क्योंकि एक एक पल की जानकारी अपडेटेड होती है। उपकरणों की कभी कभी तकनीकी समस्याएं इतनी हो जाती थी कि जानकारियां नहीं मिल पाती थी तो बेचैनी होती थी, लेकिन बाबूलाल जी थे अपने अपना सब कुछ छोड़कर, खाना पीना भी उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के इस पूरे मुहिम में लगे रहे और सेना का साथ देते रहे। अब 1997 में वो रिटायर्ड। क्या नाम है सर आपका? बाबूलाल तो रिटायर्ड। अच्छा, किस सन में आपने आर्मी ज्वाइन की थी? 1969 जी, नवंबर 14। अच्छा, उस समय जब आपने आर्मी ज्वाइन की थी उस समय आपके परिवार के हालात कैसे थे? पॉवर्टी थी, गरीबी थी उस टाइम। गरीबी थी तो कितने भाई बहन थे आप? हम दो भाई थे एक बहन थी। अच्छा, पिताजी क्या करते थे? किसानी, खेती। खेती किसान। उस समय आपके मन में कैसे आया कि हमें सेना में भर्ती होना है? ये मैंने पहले ही सोच रखा था, अगर मौका मिला तो सेना में सर्विस जरूर करूंगा। माँ की, धरती माँ की और अपने धरातल माँ की रक्षा करने का विचार पहले ही से मेरे मन में व्याप्त। अच्छा, जब आप सिग्नल कोर में भर्ती हुए एज ए सिपाही के पद पर आप भर्ती हुए थे, फिर उसके बाद जाके आप उन क्षणों के बारे में हमें बताइए जब 1971 का पाकिस्तान का युद्ध लगा था, उस समय आप सिग्नल कोर में अपने जबलपुर कैंप में थे, तो उस समय आपको कैसे सूचना एकत्रित होती थी और क्या आपको लगता था उस समय के हालात बताइए जरा। हमारे जो सिग्नल कोर के आदमी जिनका काम है प्रोवाइड कम्युनिकेशन फ्रॉम ग्राउंड टू स्काई एंड स्काई टू ग्राउंड और लोकेशन टू लोकेशन प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन टू हाई कमांड दिल्ली जी, उन्हीं के द्वारा हमको ये सब सूचनाएं मिलती थी कहाँ पर युद्ध चल रहा है, कैसा हो रहा है जी, और कहाँ कितनी कैजुअल्टीज हुई जी। तो कब आप रिटायर्ड हुए हैं? 1 दिसंबर 1997। अच्छा, प्रमोशन आपको किस सन में मिला था? ये 90 में मिला था सर, 1990 में। अच्छा, 1990 में आपको प्रमोशन मिला था। अच्छा, आपको कोई सेना का मेडल भी मिला है, वो कौन सा मेडल था? संग्राम मेडल था जी, 1971 का। अच्छा, 1971 का सेना संग्राम मेडल आपको मिला था। तो ये मेडल जब आपको मिलते हैं उस समय आपको कैसा महसूस होता, क्या लगता है आपको? थोड़ा गौरवान्वित फील होता है। अब इस समय आप रिटायर्ड हुए हैं, आप जनसेवा में लगे हुए हैं, तो वो उस समय के दिनों को याद करके कभी कभी मन भावुक होता है या क्या लगता है आपको? जरूर होता है, अगर मैं जवान होता जी तो फिर से फौज में जाता। फिर से फौज में आते हैं। अच्छा, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवाओं से तो मैं एक ही काम कहना चाहता हूँ कि सबसे अच्छी मेहनत और आपका लक्ष्य हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और उसी के मुताबिक कड़ी से कड़ी मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना हर आदमी का काम है, हर बच्चे का काम है।